वैक्यूम प्रोजेक्ट वर्ल्ड, देखिए ये जो वीडियो है ये आपका है इस समय प्रेजेंट टाइम में जो पोजीशंस है सबकी, कहाँ पर कौन क्या है, ठीक है। देखिए करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है यहाँ से, यहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चन छोटे मिलते हैं, करंट अफेयर का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक ये है आपका, यहाँ से आपको हर बार दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है ये सिंपल सी बात है, जो आपके इंडिया में बेस्ट पोजीशंस हैं जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर कौन कहाँ पर है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट अपडेट के साथ ये समझ लीजिए, आपके पास बुकें होंगी जहाँ पर ये दिए होंगे लेकिन उनमें लेटेस्ट अपडेट नहीं होगी, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन है सब अपडेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खासकर रेलवे के एग्ज़ाम अभी सिर पर लगे हुए हैं, उसके बाद आपके वीडियो के एग्ज़ाम, तो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन। तो करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, ठीक है। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार करंट अफेयर में बनते ही बनते हैं। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है कि भारत के राष्ट्रपति सबको पता होगा, सिंपल सी बात है, ये है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये हैं वेंकैया नायडू, इनके बारे में भी लगभग सबको पता होगा। और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये हैं नरेंद्र मोदी, इनके बारे में शायद ही कोई है जो नहीं जानता होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है लोकसभा अध्यक्ष और यहीं से स्टार्ट होता है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि यहाँ से आप लगभग लोगों को नहीं पता होते हैं, तो आपको यहाँ से वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है क्योंकि यहीं से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये हैं सुमित्रा महाजन, नाम याद रखिएगा, कौन है सुमित्रा महाजन है लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो ये हैं श्री पी जे कुरियन, याद रखिएगा नाम क्या है, श्री पी जे कुरियन। और विपक्ष के नेता जो है राज्यसभा में, मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा कि विपक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है, यह है गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, कौन है, डॉक्टर एम थम्बी दुरई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो सबको लगभग पता होगा इनका नाम, ये है श्री राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्या आपका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये हैं ओम प्रकाश रावत जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या चुनाव आयुक्त कौन है, तो यह हैं अशोक लवासा, इनका नाम याद रखिएगा, अभी इनको हाल में ही अपनी पोस्ट मिली है तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सिंपल सी बात देखिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, तो ये हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका नीति आयोग के CEO कौन है, तो इनसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनका नाम भी अच्छे से याद रखिएगा कि नीति आयोग के CEO हैं श्री अमिताभ कांत, और याद रखिएगा पूरा अपडेटेड है बिल्कुल, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्या कि भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष कौन है, ये हैं अनुपम खेर जी। नेक्स्ट क्या प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो याद रखिएगा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ए सूर्य प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कि भारतीय विदेश सचिव कौन है, तो याद रखिएगा विजय केशव गोखले हैं, जो 29 जनवरी 2018 से, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय विदेश सचिव कौन है, ये हैं विजय केशव गोखले, और ये कब से हैं, ये 29 जनवरी 2018 से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं शोभा कामिनेनी, याद रखिएगा इनका नाम क्या है, शोभना कामिनेनी जो हैं ये आपकी हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की, ठीक है, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्या कि भारतीय सेना का प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, तो ये हैं भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत। और फिर आपका है भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो यहाँ लिखेगा एयर मार्शल BS धनोवा, ठीक है। फिर आपके भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो क्या लिखेगा एडमिरल सुनील लांबा जी हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन ये तीन हुई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, जनरल बिपिन रावत, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, एयर मार्शल BS धनोवा, और भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, एडमिरल सुनील लांबा जी, ठीक है, याद रखेगा इन सभी के नाम। नेक्स्ट क्या कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो क्या लिखेगा श्री KK शर्मा जी हैं। फिर भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं ये आपके राजेंद्र सिंह जी, इसकी मैं PDF भेज दूंगा, जितना रंग पाए रंग लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप श्योरिटी समझ लीजिए बनते हैं, करंट अफेयर का ये पोर्शन बहुत अच्छा है और अक्सर यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है, ये हैं राजीव राय भटनागर। फिर आपके केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं आपके राजेश रंजन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि रेलवे सुरक्षा बल के RPF के जो महानिदेशक कौन है, तो यार क्या श्री धर्मेंद्र कुमार जी हैं। फिर आपका है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है, ये हैं श्री RK पंच
नंदा जी, ठीक है। फिर आपका है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है, याद रखिएगा श्रीमती रजनीकांत मिश्रा जी हैं। फिर आपका रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, डॉक्टर GS रेड्डी जी, ठीक है, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट कहिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं डॉक्टर शेखर बसु जी, ठीक है। फिर आपका है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दो अध्यक्ष कौन है, ये हैं श्री सिवन के, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखिएगा जस्टिस दीपक मिश्रा जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका ये क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बार बनता है, तो इनका भी नाम अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, भारतीय जाँच एजेंसी जो है इनके महानिदेशक कौन है, तो ये हैं श्री YC मोदी जी, ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्या कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं सुनील चंद्रा जी। फिर आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तो ये SEBI के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो कौन है, ये हैं अजय त्यागी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि राष्ट्रीय आयोग महिला अध्यक्ष कौन है, तो यह रखेगा ललिता कुमार मंगलम है। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो यह रखेगा सैयद गयूर उल हसन रिजवी, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि बाल अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है ये कौन है, ये है श्रुति कक्कड़ जी। फिर है भारत के नियंतक एवं महालेखा परीक्षक, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यहाँ से बनता है बहुत बार क्वेश्चन, तो याद रखिएगा भारत के नियंतक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यह राजीव महर्षि जी। नेक्स्ट क्या आपका कि राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथम, ठीक है। नेक्स्ट आपका मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा RK माथुर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते याद रखिएगा, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, RK माथुर जी। और नेक्स्ट क्या, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव है ये कौन है, ये हैं श्री अमित खरे जी। और SSC के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी बीच में आपने देखा था कि बवाल हो रहा था, तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो SSC के अध्यक्ष कौन है, श्री असीम खुराना जी, ठीक है। फिर एक आपका लोकसभा के महासचिव कौन है, तो याद रखिएगा मोस्ट IMP क्वेश्चन, तो यह है स्नेहलता श्रीवास्तव। और फिर राज्यसभा के महासचिव कौन है, यह दीपक मिश्रा जी, ठीक है, देश दीपक मिश्रा जी हैं ये राज्यसभा के महासचिव, ठीक है। फिर आपका है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के जो चीफ कौन है, ये हैं राजीव जैन जी। फिर आपका है परमाणु ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा SK शर्मा, ठीक है। फिर आपका है CBSE बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा अनीता करवाल जी हैं। नेक्स्ट क्या कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष, मोस्ट IMP क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये हैं न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान जी, ठीक है। फिर आपका है भारतीय केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये पीयूष गोयल है। तो देखिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, 2-3 बार देख लीजिए, और अच्छे से मैं आपको PDF भेज दे रहा हूँ उसका, और इसको आप जितना याद कर पाएँ कर लें, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर से क्यों पक्का श्योरिटी क्वेश्चन बनते हैं, और आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 30-40-50 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं, और आपको श्योरिटी यहाँ से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और शाम को साइंस की वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपको आज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, थैंक यू।